जी व्यूअर्स, सेकंड मैच स्टार्ट हो गया है तो उसकी लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 8 का ये मैच है जो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 8 का कमांडर पहुंच गया, वार्ड नंबर 3 एक एक कमांडर, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 8 का। हाँ जी, मोहम्मद अयूब साहब कौशल बंदी है डस्का वार्ड नंबर 8। मैच शुरू होने में अभी थोड़ी देर बाकी है, फोटो सेशन का टाइम है, ईमेल है वो तैयारी में है। थैंक यू राणा साहब। स्टेडियम इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टेडियम का मंजर पेश कर रहा है और फेसबुक पर जितनी भी इसकी वीडियोज अपलोड हो रही हैं लोग बहुत सराह रहे हैं। बहुत अच्छा एक काम चेयरमैन फाउंडेशन के मोहम्मद फाउंडेशन बैक टू योर सीट। शानी भाई, शानी भाई भाई बंदा दे उसको, अहमद भाई बैकअप पे रहना, अहमद भाई ये अंपायर मास्टर यूनुस साहब का मैच शुरू करवा दो प्लीज। बाल फेंक के लीजिए करवाएं आप सर, ये तीसरे मैच का टाइम शुरू हो गया, अभी दूसरा मैच करवाएं जी करवाएं। गोल में डस्का प्रीमियर लीग दूसरा गोल में अलहान बाबा जी खान और मोहम्मद की बंदी सादा उस्मान खालिद चीफ रेक्टर एग्जीक्यूटिव डीपीएल जनाब खाजा बाबा पासी साहब चेयरमैन बंदी है डस्का। ये म्यूजिक इस तरह गोरने का था, म्यूजिक गोरी साहब गोरने का म्यूजिक था। हाँ, अगर गोरी करते हैं तो फिर आप कौन चलाएंगे? अगर म्यूजिक गोर तो इसको नहीं चलाएंगे, गोरमे के अलावा कोई भी और म्यूजिक नहीं चलेगा। थैंक यू जीशान भाई, जीशान भाई कमर के बस आ जाए मैच होने के करीब। दोनों बैट्समैन भी तो तैयार सामने करेंगे यासिफ आज जो छाना बॉलर से मौजूद इमरान। हमें बॉलिंग साइड से एक बंदा चाहिए है जो रिप्रेजेंट करे कमेंट्री बॉक्स में अपनी टीम को। यार तुम बॉलर नेम दस दो, बॉलर नेम दस दो, कुछ उतो ही कार्य कर रहे हो आप। ये आप एक पास की जमाई ने हुआ ब्रिज दे वो साथ हो रहा वो ठीक है कि राय एक को यार जी मियां नो आशिफ स्टेडियम में सैकड़ों हजारों की तादाद में डस्का की आवाम। अहमद भाई करेक्शन कर लें, इस वक्त तकरीबन 4.5 करोड़ आवाम इस स्टेडियम में मौजूद है। भरपूर तालियां इस आवाम के लिए क्योंकि ये आवाम चारों सदों से ये आवाम आई है। कायदे मोहतरम, कायदे आवाम, कायदे पाकिस्तान, नवाज शरीफ के लिए बनाया जा रहा है लीग की आदत स्टेट ऑफ यूनियन हराना से खुश हूं। गोल में डस्का प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय गोरमे फूड्स
Zaysaya Alhaj Babaji Khan Mahmood Mukti Madni, Chief Protective DPL, Janab Sahab Khalid, Zaini Ghani, Babar Sheikh, Chairman Baldia, Khaja Abdul Pashi, and unke 21 counselor, Babar Sheikh counselor, unki team, jury ko khada sar anjaam de rahe hain, Mohammad Imran Bhatt advocate, unke saath advocate, General Counselor Baldia Daska, unke saath Riyas Mughal Sahab, aur Chairman Baldia, Khaja Abdul Pashi Sahab. और मैं बता दूं उस्ताद तमीर अहमद मुगल अलमरूफ उस्ताद बिल्ला यानगढ़ फाउंडेशन और साथ साथ मैं बताता चलूं कि अंपायरिंग के फराइज सरंजाम देते हुए मुसलसल फराइज स्पाइस साथ चेक कर लीजिएगा बॉलर और बैट्समैन स्पाइस चेक कर रहे हैं किसी ने स्पाइस पहने हुए विकेट के ऊपर तो उसको बैन कर दिया जाएगा अंपायरिंग के फराइज सरंजाम देते हुए जल्दी मैच शुरू करें यार चेयरमैन साहब की तरफ से हदायत है जल्दी मैच शुरू किया जाए इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाटा कुछ देर के बाकी है सामने है यासर पाकिस्तान में 400 रुपए खेलने वाला खैबर से गिलगित टाटा गिलगित से कराची लड़ी मस्कत दुबई बाहर के रुपए खेलने वाला ये मैच है बड़ी आराम हो रही है लेकिन दूसरी टीम में मौजूद है स्मार्ट जिस्म वाले पहले भी ऐसे थे आज भी ऐसे अमरान टूरू क्या बढ़िया बैटिंग कर रही है भी मशहूर से आप दोनों अच्छा मुकाबला होगा इंशाल्लाह देखने में टीवी और जब मैच स्टार्ट हो गया पहला प्ले बॉल है एक बेहतरीन बॉलर और एक बेहतरीन असद बिल्कुल तैयार यासर वर्सेस असद शेर मैच शुरू बहुत अच्छा सिक्स लगाया है फरूख भट्ट साहब ये बॉल बैट्समैन है पहली बॉल पे ही लंबा छक्का है ये ओमान से आए हैं इस वार्ड के रहने वाले हैं स्पेशलिस्ट डीपीएल के लिए ओमान से आए हैं अभी मैंने इनसे पूछा है थोड़ा सा इंटरव्यू किया है तो ये अयूब भट्ट साहब काउंसलर हैं उनकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा मियां मुजफ्फर इकबाल हैं इसके ऑनर तीन नंबर वार्ड के बहुत सख्त मुकाबला घंटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है इस मैच में इंशाल्लाह आप भी महसूस होंगे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस पोस्ट को शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करें ये सारा तमाम बाबा जी मक्की मदनी खालिद महमूद मक्की मदनी और उस्मान खालिद हसान खालिद यंग ब्लड बैंक चेयरमैन बल्दिया डस्का और फुलके मोहम्मदी फाउंडेशन और दीगर दोस्तों के तावन से बल्दिया के मुलाजमीन के तावन से ही आप देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा इवेंट सजाया बड़ा अच्छी महफल 20 साल बाद स्टेडियम में चलाई है बाबा जी खालिद महमूद मक्की मदनी ने अल्लाह ताला उनको सेहत दे जिंदगी सलामत रखे हमेशा और उस्मान खालिद साहब की खुशी कावच की वजह से आप ये मैच पूरी दुनिया में देख रहे हैं और मुझे फख्र है कि आप लोगों की वजह से इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा लोग इस इन मैचेस को व्यू कर चुके हैं पूरी दुनिया में और तीन नंबर वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियां मुजफ्फर सराफ साहब जनरल काउंसलर बल्दिया डस्का सब दोस्त इसको जो भी ज्वाइन करता है वो इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करे और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करे लिंक डाउनलोड करके उसको इनवाइट किया जाए अली रजा भाई आप सब लोगों की वजह से ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप वजह और दूसरी बॉल पे मुझे 6 ही लग रहा है और 6 है बहुत लंबा छक्का लगाया फरूख भट्ट साहब ने दो बॉल दो छक्के आफ्ताब रजीब साहब वेलकम करता हूँ आपको शायद कल आप नहीं आए थे मुझे नज़र नहीं आए आज आ गए हैं आप पोस्ट को शेयर करें मेरा डस्का फेसबुक पेज ई डस्का भी उसके साथ साथ असल चपटने को तैयार है लेकिन समझ नहीं पा रहे कहाँ गेंद करवाओ पटक हो जाए काबू में करना चाहिए उस तरह नहीं बढ़िया गेंदबाजी की ये आखिरी गेंद पर ऐसा लगता है ये बहुत जोरदार टाकरा होगा बहुत बड़ा टाकरा है बहुत शुक्रिया आफ्ताब रजी साहब आप अगर शेयर करते हैं अपने शहर की मोहब्बत का सबूत दें बहुत बड़े बड़े नाम इस वक्त स्टेडियम में मौजूद हैं 8 नंबर वार्ड बैटिंग कर रही है और 3 नंबर वार्ड जो है वो बॉलिंग कर रही है 8 नंबर वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं अयूब भट्ट साहब हैं
और तीन नंबर के मियां मुजफ्फर इकबाल हैं जो काउंसलर हैं दोनों वो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा बढ़िया गेंदबाजी कर रही होगी अगर यासर पर को काबू में कर पाए ये चीज अगर बहुत से निकल गया काबू नहीं आएगा मौसम बहुत गर्म है आज हवा भी नहीं जा रही पहला ओवर जी पहला ओवर जारी वार्ड नंबर 8 का 14 अंपायर का इशारा लेग पर डिस्कस प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन फूड्स सॉरी एम बनाई आपका तो पता ही निकल गया आपकी तरह जब मजबूत कर इस मैच को डिस्कस के वापस इन मैच डिस्कस जनाब मियां मोहम्मद नदीम मुगल साहब उनको पंडाल में खुशामदीद कहते हैं जनाब मियां मोहम्मद नदीम मुगल तबीर मुगल स्टेडियम का खेलना चाहते थे लेकिन चूंकि गेंद बैट का इशारा वाइड हदफ से दूर थी नहीं समझ पाए वाइड पर हो गई अब बढ़ता हुआ चलने का फ्री और टोटल तादाद इस वक्त 6 मुश्किल होगा कितना अब आपको कितना मुश्किल होगा क्योंकि सारी सर अनबिलीवेबल थर्टी आता हुआ थर्टी आता हुआ कैप्टन भी जाम हो चुका है ब्लास्टर समंदर को डाया है डस्का के वहां क्रिकेट के बुखार का मुकाबला स्टेज पर उतर गया घरों से बाहर निकल रहे बढ़िया मैच उठा लिया लेकिन देखना पड़ेगा छोड़ दिया छोड़ दिया ये नहीं मालूम कि कैच किसका छोड़ रहा है इमरान का एहसान किया इन्होंने इमरान के ऊपर कैच छोड़ दिया अच्छा जी पहले ओवर का खिताब और बढ़ता हुआ स्कोर 21 और स्कोर है 21 अमरान गुरु परेशान फील्डिंग परेशान कैच नहीं छोड़े जाए बड़े प्लेयर खेल रहे हैं कैसे संभालेंगे जिन बहुत से बाहर निकला है तो बेकाबू हो जाएगा रोकना पड़ा अच्छा खेल पेश कर रहा होगा वेरी गुड बैटिंग बड़े साहब वार्ड नंबर 8 की बढ़िया बैटिंग है अच्छा आगाज बढ़िया की बैटिंग की है बढ़िया बल्लेबाज वार्ड नंबर 3 भी काफी अपने अंदर फंसी हुई है वार्ड नंबर 8 पहला मैच अच्छा हारी थी आपको याद है बिल्कुल जी वार्ड नंबर 8 अपना पहला मैच हार गई नए जज्बे के साथ में और इस बार नए जज्बे और जुनून के साथ पहला मैच मायूस नहीं हुए वार्ड में यासर पट नहीं चले थे पहले जल्दी आउट हो गए स्कोर भी खाया लेकिन जब करो मानो ने भी मायूस हुए उसके बाद तो भी अच्छा खेल पेश कर रहे वो किस्सा है माजी हो गया याद है माजी हो गया अब बढ़िया खेलना होगा छाना मतलब खेलना चाह रहे जज्बाती आतंकवाद के रूप में सामने बाजू में डस्का प्रीमियर लीग स्पॉन्सर बाय गोर्मे फूड्स जरे से प्रस्ती अलहान बाबा जी खालद महमूद मक्की मद्दी चीफ एग्जीक्यूटिव डीपीएल शाहदाद उस्मान खान साहब सिर निगरानी चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी खाजा आशी साहब और उनके किस काउंसिलर को पंजीयन काउंसिलर कोलैबोरेट किया है खुलके मुक्ति फाउंडेशन यंग रन वार्ड नंबर 8 अपनी शिकस्त का बदला लेते हुए 180 के साथ 180 अगर अगर मैं जाना चाहूं दोनों तो ये आवाज है छाना छक्का बढ़िया छेद गया सीढ़ियों को पंजाब में मिला स्टेडियम के एक तरफ से दूसरी तरफ टाबा चिका होता है रुकने का नाम ले रहा है लेकिन सामने गेंदबाज हैदर हैदर भी कुछ कर सकते हैं बढ़िया बल्लेबाजी भी
नीचे खाने लगा दिया, सीधा फिर खा रहा। अब वो प्लेयर हैदर ने अच्छी गेंद मारी, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, दुबार बढ़िया नाम इनका हैदर शेर के साथ बढ़िया चार चल रही गेंदबाजी करना चाहते हैं। स्कोर जी इजाजत किसी से करना है चीज तरीके से इमरान को साथ करें या से तस्वीर ले लें अच्छी वार्ड नंबर तीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नियम सराफ जनरल काउंसिलर बल दिया डस्का वार्ड नंबर आठ को हाजी मोहम्मद अयूब पर साहब जनरल काउंसिलर वार्ड नंबर आठ अली सैयद गिलानी एडवोकेट जमशेद एडवोकेट के साथ स्टेज पर बाद में दोनों एडवोकेट को परफॉर्म करते हैं। नौजवान सियासत बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं वो भी बढ़िया अखलाक की बात है। सिर्फ एक स्कोर मैंने यही कहा था यासर शाह कह रहे थे सामने भी कोई आम नहीं सामने भी बड़ा पक्के पास है जो के नाम से बढ़िया गेंद करते हुए बढ़ता स्कोर 30, 30 स्कोर हो चुका है। विकेट देने में नाकाम है लेकिन नाभी जो गेंदें हो रही है इमरान खान फोर मिस्टेक गेंद में चौका गेंद में चौका पत्नी कैसे बाहर निकल गया चार रन में जाता अच्छी पिच रही अहमद पड़ाए और स्कोर हो गया और स्कोर हो गया 34 जैसे आपने गेंद गुजारा है ऐसे तो कोई मेट्रो ट्रेन नहीं गुजारता यही तो बड़ा फल है सीखा है हमने स्कोर से जमशेद साई से सीखा है आगे शहर से सीखा है सबला मनी से सीखा है ये सारे लोग उस्ताद हैं मेरे साथ बहुत बड़े उस्ताद हैं ये बहुत बड़े नाम हैं ये माइक के बाद मैं आपको बताऊं ये आवाज अदालत के ईवानों में भी गूंजती है आवाम के ईवानों में भी गूंजती है वकील महकमा है जी जी आप आएंगे बॉल की तरफ बॉल आएगा कौन से लग गए शायद इस गेम को फील्ड न कर पाते रास्ते में लगे खंभे ने कहा मैं आपके साथ मदद कर देता हूं इसी बात को आगा निशे नगर की तरफ से खंभे को 1000 नगर इनाम करना है और आगा निशा नगर 1000 पैसे तो किसी को देना नहीं चाहते थे लेकिन अगर आपने खंभे को ऐलान किया तो आगा साहब यही ना कह दें कि मैं ही खंभा हूं आगा साहब तो खैर कुछ भी कह सकते थे वो तो हाल में 2000 रहते हैं उन्हें 2000 का जमा भी करवा जी चाहे तो लिहाज करते हैं ना चाहे तो किसी का लिहाज नहीं करते आगा साहब अपने आगा साहब ने बहुत अच्छा जमा करवा दिया कबा के इंसान है काफी कबा इनको खामोश करवाया गया मीटिंगों में आपकी शख्सियत के अंदर एक जनून एक जिंदा रहने वाला शख्स शिद्दत के साथ मेरे और उमर की शिद्दत में पाजी में कवार है मजबूत गोरमे दस्का प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय गोरमे फूड्स डीपीएल दस्का प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय गोरमे चपके घर घर क्या है भाई नगर नगर कली कली गोरमे आप हमारे साथ में मौजूद वालराय स्पाइक क्रॉस बॉल फेंका तीसरे ओवर का आगाज बढ़ता हुआ स्कोर काका तीसरे ओवर के लिए इब्रा सामना करेंगे काका तीसरे उठाए बहुत लंबा छक्का आपको बताना चलूं ये हो गया छक्का ऐसे नहीं चलेगा इमरान डुडू खासे पर प्रचार दिखाई दे रहे साथ ही बॉलर्स को समझाते हुए 41
वार्ड नंबर स्कोर हो गया वर्सेस वार्ड नंबर 8 जी और शाली भाई स्कोर हो गया 41 दशका के वहां तकादर से किया बराबर टू तो वापस हो गई माली जैसी बैटिंग करें 2000 मैच में नहीं फाइट का इशारा वाइट बॉल दोनों बैट्समैन विकेट के ऊपर आराम से पके हुए फील्डिंग के लिए बॉलर ने आज ही ये जाने से क्या खेल पर पकी हुई है बढ़िया बल्लेबाज है मिस किया अरे गोना कहां बना रहे यार तू भैया आई बॉल नहीं आई बॉल नहीं नमस्कार अपनी आवाज के साथ स्टेज पर विराजमान चमके घर घर गली गली नेक्स्ट ऐसा खेलना चाह रहे हैं आप सारे काम लगा एज को लेकर बस चमके कर रहे हैं गोल में और इसे तो आप बता कि क्या अहमद खड़े हैं पीछे जी पर क्या बढ़िया बैच बने लिए खाना अहमद कीपिंग के फ्लैश हमने आते में हुए वार्ड में तीन मीटर से एक अच्छा स्ट्रोक वार्ड में मौजूद एक लाख का इजाफा वार्ड नंबर 8 मीटर से और बढ़ता हुआ स्कोर डबल 44 44 स्कोर हो गया है और ये चौथी तीसरे ओवर का खेल जारी है अच्छा स्कोर है 17-18 किस प्रकार से ही अपने के साथ ही खेलते रहे आखिरकार बोल्ड कर दिया चौथा ओवर शुरू होने जा रहा है हैदर फिर से तैयार हैदर बॉलिंग के लिए तैयार जेदी शाह मैदान में तमाशा के लिए मौजूद कुछ करना चाह रहे हैं कि जेदी शाह कुछ कहना चाहते हैं हैदर अच्छा मैंने कहा शायद जेदी शाह कुछ पार्टी की लैंग्वेज बता रहे हैं आखिर के लोगों से गुजारिश है तुम्हारी यहां से भाई देखना क्राउड ये बहुत ही पीछे हो जाती है तारा तो पीछे हो गई आठ नंबर वार्ड और तीन नंबर वार्ड के तमाशाई जो बाउंड्री की लाइन के पास खड़े हैं उसे तरफ पीछे हो जाए हैदर बॉलर यासर की कदम सारा मैच यासर की कदम हैदर राणा अहमद एडवोकेट की बीच फ्राइज साल जान देते हुए वार्ड नंबर तीन की तरफ से तेज गेंद का है गुड लेंथ के ऊपर अहमद पर नाकाम यूसुफ नवाब प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हम एक दफा फिर जब से सरफराज साहिब चेयरमैन यूनिट काउंसिल का वाले सरफराज साहिब साहब के फर्जंद हैं ये
उनको उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और दस्का की आवाम के लिए, प्लेयरों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए वो यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं। स्कोर हो चुका है 45। आराम के साथ, खामोशी के साथ तमाशाई शायकी ने क्रिकेट चटकी बात का मखसूस अंदाज में क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद मैच देखते हुए, क्योंकि दोनों टीमें बराबर की हैं, दोनों शेर बराबर के हैं, चेक कौन होता है, कैसा मारता होगा, खेल भी बाकी, फैसला भी बाकी। अहमद भाई, स्कोर हो चुका है 45 और चौथे ओवर का खेल जारी। ओवर करवा रहे हैं हैदर, नब्बे तक के मैच में सामना करेंगे पाठक बॉल की हैदर से कमी। अंपायर महसूस करते हैं, जज करते हैं, वही फैसला देते हैं, वही अंतर्योदय है, यही हुस्न है क्रिकेट का, खेल का। कई दफा आना साहब इनकार कर देते हैं जज के फैसले से, लेकिन फिर भी मानना पड़ते हुए फैसले आना साहब जी। और मैं आपको फिर बताता चलूं, क्या हुआ जी, सारे खिलाड़ी अपने फील्ड में जाए, 45 भाई सारे खिलाड़ी अपने फील्ड पे जाएं और मैच को जल्दी शुरू किया जाए प्लीज। यूसुफ नवाब प्राइवेट लिमिटेड आगरा शहर है एडवोकेट के बड़े भाई, आगरा शहर शहर स्टेडियम में मौजूद है, उन्हें पदभूत करते हैं। बड़ा ऐलान इस ओवर के बाद किया जाएगा, अभी कर रहे हैं इस बात की समझ नहीं लगी, ऐलान हम अभी बाद में। खैर हैदर तैयार उठा दिया था, पठान करने का काम नहीं है, सो कठिन का है, बॉल पिच है, या शब्द खुद ठीक है, सारा मैच उनके कंधों पर बच्चे बैठे दिए गए, लेकिन एक ओवर से कुछ अच्छी कारकर्दगी नहीं है। इमरान खान टूटू नहीं, सकीना खान की तरफ से ऐलान है जी, जीतने वाले फाइनल जीतने वाली टीम को 11 खिलाड़ियों को 11 सूट, कमेंटेटर हर तीन कमेंटेटरों को तीन दोस्ती के सूट दिए जाएंगे इसकी तरफ से, अंपायरों को भी सूट दिया जाएगा, कमेंटेटर स्कोरर सबको, वाह जी वाह, बड़ा ऐलान भी इसकी तरफ की तरफ से। उठा लेकिन आउट हो सकते हैं यासिर भट्ट का कैच छोड़ दिया, बल्लेबाजों को भी चांस नहीं मिलना चाहिए, अगर मिले तो फिर वो कैच मैच जीतने में बहुत किरदार अदा करते हैं, बहुत परेशान है इमरान, दोनों बहुत परेशान है, फील्ड कंफ्यूजन का शिकार है, बढ़िया बल्लेबाज का था उसका कैच छोड़ दिया, छोड़ दिया, सवाल चेयरमैन बल्दिया पासी मैदान में मौजूद ना खटने वाले अहमद बलाइज, शुक्रिया आना साहब, छोटे छोटे चुटकुले आना साहब, एक संस्कृत कर ले, दोस्ती का सूट तक मौजूद है, आप व्हाइट कलर का ले रहे, मैं दोस्ती का सूट आपका मैं ले लूंगा, आपको व्हाइट कलर का, मुझे व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, अभी भी मेरी व्हाइट शेरवानी पहनी हुई है, बोस की तरफ से ऐसा काम है, वैसे भी आपको अच्छी लगती है, ये आपका आपकी मोहब्बत है, आपकी आपकी हुस्न है। और एक गेंद बाकी बाकी है, तीसरा तीसरे ओवर का खेल जा रहे हैं, आकाश अंक हो चुका है, एक गेंद भी बाकी है, फिर से आकाश आकाश हाइडर तैयार, नाकाम है, क्या छोड़ रहे हैं, खुद तो डूबे हैं सर, तुम्हें भी ये डूबेंगे कहीं ऐसी फिलासफी के ऊपर भाई, फिल्टर नहीं चल रहा है भाई। सबसे अहम बात जो शायकी ने क्रिकेट जानना चाहते हैं कि चार ओवर के खिताब पर स्कोर है 54 54।
चार ओवर के इख्तिताम पर स्कोर साहब अहमद बनाए एडवोकेट लाहौर से डेली प्रैक्टिस के बाद दस्का मशीन लेके आते हैं सिर्फ कमेंट्री के लिए उनको बोलने दिया जाए उनको यंग ब्लड वालों ने आपको एक हेलीकॉप्टर इनाम दिया हुआ है जब तक ये मैचेस होते रहेंगे वो हेलीकॉप्टर पे आते रहेंगे लाहौर से आपकी मोहब्बत खींच रहा है स्कोर उमर चार बीत गए किस्सा बाजी हो गई 24 के निकल गए चावल को शाम लंबी तक कमा ली पत्ती के सामने वाला पता इतने प्रेशर के बावजूद अच्छी चीज हुई इमरान टूडू ने शाबाश दी बॉल को बढ़िया खेल दिया इन्होंने ऐसे हालात ऐसे दिन होती नहीं है एक जब फ्री हिट भी हो ग्राउंड में जो इस वक्त हमारे लाइव कवरेज कर रहे हैं उनके लिए पानी भेज दिया जाए ग्राउंड में जो लाइव कवरेज कर रहे हैं छा गए हैं नो बॉल का भी फायदा नहीं लिया फुल का स्टार जो प्लेट भी डाल सकते हैं पालन में आराम से फाटल सहाक पर फेंक दिया चाहे बहन से फाटल रहे हो ग्राउंड में नहीं रहेगा गेम छह रन से ज्यादा और इस वक्त पांचवें ओवर का खेल जारी है और स्कोर हो चुका है 62 पिछले ओवर में काका ने अच्छी बॉलिंग की थी काका बेशक चेस की जैसे मजबूत लेकिन क्या करे सामने भी कैच छोड़ा था स्कोर तो होगा फूले दिए जाए खुद को फूले खा रहे हैं कमेंटरों के लिए फूले कब पड़ गए शापर पढ़ लो क्यों है शापर पढ़ शापर हाँ सर आप शुक्रिया पांच ओवर के खेल जारी है काका बेशक नहीं खेल मस्कत से बुलाए गए स्पेशली यासर भट्ट को किसी मस्जिद से बुलाया गया है यासर भट्ट को किसी खास मकसद के लिए वही जो अभी तक छा रहे अपनी कटो शुरुआत किया हुआ है चार्ल्स मिला था मजबूत फायदा ले रहे फील्ड प्रशांत थे कप्तान प्रशांत था लेकिन अच्छी बैटिंग अच्छी करने वाली फिर भी पैसे भी किसी काम के नबिल की जगह रहे सामना करेंगे पठान सभी और से रिक्वेस्ट है कि वो इस पोस्ट को शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें बड़ा अच्छा इवेंट डस्का में ये चाह रहा है डीपीएल के नाम पे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है बाबा जी खालिद महमूद मकी मदनी उस्मान खालिद साहब और हसान खालिद साहब और इनके अलावा चेयरमैन बल्दिया डस्का यंग ब्लड बैंक के मोहम्मदी फाउंडेशन और बहुत सारा बड़ा अच्छा इवेंट चल रहा है अभी तक तो ये 20 साल बाद ये ऐसा इवेंट डस्का में देखने में आया इससे पहले 20 साल पहले ऐसा इवेंट हुआ था अभी डस्का की ये पॉजिटिव एक्टिविटी मैं पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारे इधर डस्का में बहुत से लोग हैं जो जिंदा दिलान हैं और इंशाल्लाह ताला आपको पूरी कवरेज देंगे चौधरी बहुत ही निशान लगाई और ये
वालेकुम सलाम अमर भाई, आप इस पोस्ट को लाइक भी करें और शेयर भी करें। साहब दौला उस्मान खालिद चीफ ऑफ टेक्निकल डीपीएल जिले निगरानी चेयरमैन बन दिया खौजा दौला मेहरबानी भाई उनके 21 काउंसलर पर से मेहरबानी टीम एक दफा उनकी टीम के लिए भरपूर तमाशा से गुजारी है भरपूर तालियां जरूर ताली से पेश करें यार तमाशा से गुजारी है कमा बल्दिया नस्का के लिए भरपूर तालियां बजाएगा नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आउट जारी नो बॉल की बॉलर ने कुछ अच्छा किया भाई फील्डर इमरान साहब बॉलर का नहीं बता दिया इमरान टूडू साहब नासिर सामने है यासर नौ बॉल का फाइनल लेकिन कौन फाइनल मिला आउट वेलकम अक्रम साहब पोस्ट को शेयर करें और फ्रेंड्स को इनवाइट करें काफ़ी देर बाद आप आए हैं बहुत अच्छी बॉल की लियाकत अली भाई ये 3 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड का है 3 नंबर वार्ड मियां मुजफ्फर की है और 8 नंबर वार्ड अयूब भट्ट साहब की है साका बाबा साहब डस्का जान है तो ई डस्का क्या है ये भी कमेंट करें स्कोर हो चुका है 81 मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता खुशगवार हो रहा है बहुत ऊंची छाल लगाई है और ये लंबा छक्का है एक शानदार छक्का पठान का अजीब बर्दाश्त में बहुत बढ़िया यूसुफ अली भाई मैंने आपके कमेंट देखे नहीं आप दोबारा रिपीट कर दें प्राइवेट कैप्टन
थर्ड मैन की तरफ बॉल गई है और पढ़ता हुआ स्कोर 92 स्कोर हो गया है। आखिरी ओवर का खेल जारी है और पढ़ता हुआ स्कोर 92। नजीब साहब मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं 3-4 दफा आपके पास गया हूँ, आप मिले नहीं, आप सुबह कल मुझसे जरूर रब्ता करना। बहुत ऊपर ऊंचा छक्का लगाया है और मेहरबानी अजहर भाई आपने इसको अप्रिशिएट किया। आपको बताते चले स्कोर हुआ है, 99 का टारगेट मिला 6 ओवर में और दूसरी टीम का टारगेट डबल लाइन का टारगेट है ना मिमी। बट साहब 98 स्कोर हुआ है, 99 का टारगेट मिला है 3 नंबर वार्ड को। यार मैं फरूक नूं भेजी हां कमेंट, फरूक बार्डर नूं भेजी जरा। और अलहमदुल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, चेयरमैन बल्दिया डस्का और उनके साथ जो चेयरमैन साहब के साथ किस काउंसलर हैं, अलहमदुल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं और मैं अपनी टीम पे अलहमदुल्लाह बहुत अच्छा खेल रही है और इंशाल्लाह ये हम मैच जीतेंगे। इसमें आप किसको ज़्यादा क्रेडिट दें? क्रेडिट तो ये चेयरमैन को ही जाता जी, ये चेयरमैन बल्दिया डस्का को क्रेडिट जाता है सारा, क्योंकि वही ये इवेंट उन्होंने ये रखा है और इनका जो लहाज बाबा जी खालद मक्की मदनी और साहबजादा उस्मान खालद साहब हैं वो इसको ये इसको क्लियर कर रहे हैं और अलहमदुल्ला बहुत अच्छा जा रहा है। ये काफ़ी लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं, रोज़ाना इधर काफ़ी गैदरिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त है। आपको काफ़ी है माशाल्लाह, मेरे पास 4-5 बॉलर हैं, ये अपना मकसूद खान है और इमरान है, इसके अलावा ये जो यासर है, सुलेमान है, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं। नहीं नहीं इसी सोचता है वो इंसान जो खुशियां ही खुशियां भी खेलता है, वो इंसान जो हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, वो इंसान जो भूखे को खाना खिलाता है, वो इंसान जो बीमार को दवाई देता है, वो इंसान जो हर इंसान को दुआ देता है, ये सिर्फ एक दरवेश इंसान अलहाज बाबा जी खालक मक्की मदनी साहब। इन्ने मैच दे ना कवर होंगे, हम 4-4 घंटे दे ना मोबाइल चलते, मैं 3 ही कर, 3 बैटरी एंड हो जाती है, पावर बैंक एंड हो जाता है। वार्ड नंबर 3 से गुजारिश है मियां मुजफ्फर सराफ साहब से,
कि अपने ओपनर प्लेयर आपको दोनों बैट्समैन उनको ग्राउंड में भेज दें। मैच में शुरू करने में तकलीर न की जाए। चेयरमैन साहब अपने पूरी टीम के साथ हाजी मोहम्मद अजीब बट साहब, चवेद इकबाल चीमा साहब, चौधरी आबादी, मियाँ मोहम्मद नदीम मुगल बादशाह नंबर डस्का, मोहम्मद समीर रमली एडवोकेट जनरल कौंसल नंबर डस्का के साथ शेख रहमतुल्ला साहब विराजमान है स्टेज पे। मिर्जान खान मैच जीत चुके हैं एक यूथ सभा से। शनिवार टारगेट है 99 चक्कर और अयूब भट्ट साहब खुशी से झूमते हुए ग्राउंड में कि 99 मुश्ताक साहब जनरल कौंसल वार्ड नंबर 24 उनसे गुजारिश है कि वो पॉइंट के बक्स में तशरीफ ले आए। राणा मोहम्मद मुश्ताक साहब यार बैट्समैन नेम दसो तो तीन नंबर वार्ड से गुजारिश है कि एक बंदा या कमेंट्री बॉक्स में भेज दे ताकि नामों में आसानी हो। वार्ड नंबर 3 मियां मुजफ्फर सराफ साहब अहमद मलाई साहब आप थक चुके हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। 98 स्कोर हुआ है, 99 का इनको टारगेट है। पहला बॉल प्ले बॉल स्टार्ट होने वाला है। बॉक्स में बैठो या बेशक वो थे दूसरे बॉक्स से तो ये बॉक्स से बंद है। वार्ड नंबर 3 के कमांडर यहां पे भेज दें। वार्ड नंबर 3 वरना उनका नाम मिस हो जाएगा स्कोर से। स्कोरिंग के फ्राइसन जा रहे हैं मियां उमर शहजाद एडवोकेट जी। मैच शुरू हो चलता है। रिक्वायर्ड रन आर 99 बड़ा डाटा है एक कट सौ और पहली प्ले बॉल चल रही है। बॉल हो गई, पहली बॉल जीती बैट्समैन ने। बैट्समैन नेम हमें चाहिए असद। तीन भाई वेलकम, आप पोस्ट को शेयर भी करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करें। बॉलिंग करते हुए दूसरी बॉल के लिए आए जी, शार लगा दी है और क्या खेला, क्या खेला, कुछ समझ लगी। ऑफ स्टंप की बॉल को उखाड़ के लेग स्टंप पे फेंका और छक्का। जाहिर है इतना बड़ा हदफ टफ स्कोर है, 99 तो चेज है, खेलना तो पड़ेगा, खुल के खेलना पड़ेगा, खुल कर खेल जम कर खेल। पठान लेग बाई का इशारा अंपायर की जानिब से, दोनों बैट्समैन आपस में कंफ्यूज होते हुए कि दूसरा स्कोर लिया जाए कि ना लिया जाए, फिर एक दूसरे को समझाते हुए और पॉइंट बक्स की तरफ आते हुए जनाब अलियास निजाम सर फॉलर के स्टार्ट। मोहम्मद खान वार्ड नंबर 8 की तरफ से पानी करवाते हुए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। टूडू वर्सेस मोहम्मद खान दोनों अच्छे प्लेयर हैं। लंबा
चपके घर घर गली गली कौरवे 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 आई बेकार का चौका नहीं होया अंपायर का इशारा पहले ओवर की चार बॉलों पर 15 वार्ड नंबर 3 की तरफ से बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा कैच पकड़ा है कीपर ने अनबिलीवेबल कैच है इमरान का बहुत ही मोहम्मद खान ने साबित कर दिया मोहम्मद खान के होम टीम के लिए चक खेल रहे खूब मेहनत कर रहे तीन असर असर आउट दूसरे बैट्समैन को दरमियान ही क्रॉस करना पड़ेगा जल्दी से दूसरा बैट्समैन आ जाए ग्राउंड के दरमियान के क्रॉस ओवर ना पॉइंट स्टार्ट सारे ही आ रहे हैं मैच मकसूद खान का मकसूद खान अपने मकसूद अंदाज में सामना प्लेयर भी किसी काम नहीं मोहम्मद खान पानी करवाते हुए शूज उतर गया अहमद का डिफेंसिव खेला पहली बॉल को और पहले ओवर के अंतताम पर स्कोर हो गया 16 तकरीबन ओवर के अंतताम पर स्कोर हो गया 16 और आपको बताता चलो कि तकरीबन इतनी ही एवरेज चाहिए 16.5 की यही एवरेज रिक्वायर्ड है वार्ड नंबर 3 दोनों बढ़िया बल्लेबाज है बढ़िया क्लियर करते हैं क्या स्ट्रेटजी होगी अब इमरान टू को भी साथी प्लेयर को कैसे खिलाना है क्या करना है 16 एक ओवर के खिताब पर वार्ड नंबर 3 जब तक इमरान टू फिक्र पर मौजूद है सारा बोझ उसके कंधों के ऊपर सामना प्लेयर भी अच्छा खासा खेलते हैं बढ़िया खेल पेश करेंगे मोटी जसावट के मालिक हैं राणा अहमद एडवोकेट देखते हैं किस तरीके से अपने खेल करते हैं वार्ड नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मियां मुजफ्फर सराफ साहब जनरल टॉस में बल्दिया डस्क का और वार्ड नंबर 8 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब हाजी मोहम्मद अयूब बट बॉलर आए ऊंची बॉल क्या थ्रो तेज कर जमीन के साथ अच्छी गले जी तो बॉल हो चुकी है इस ओवर की और बड़ा स्कोर 18.2 ओवर और स्कोर है 18 गोरमे दस्का प्रीमियर लीग स्पॉन्सर्ड बाय गोरमे फूड्स बॉक्स में पॉपकॉर्न आ चुके हैं और आगे निशान किसी को मिलेगा
गेंद स्कोर का इजाफा कमेंट्री बॉक्स पर फुलों पर लड़ाई होती है। गेंद खुद थमा लिया, अपने हाथ में मैच को लेना चाहते थे। एक शेर है पाली के रूप में, दूसरा शेर है फतेह, दाएं बाजू का बैट्समैन है, बढ़िया नियम है इमरान डोडू। दोनों शेर में कौन शिकार कर पाता है पहले, ये भी फैसला ग्राउंड के गेम फैसला करेगा, गेम फैसला करेगा कौन चिचकता है। शेख शाहिद की तरफ से, यूथ कौशल की तरफ से, ये अपने यूथ भाई के लिए, राणा गणित के लिए चाहिए 21 रन है। अहमद आपके लिए अनाउंसमेंट है, 6 लगाना होगा, 1000 रुपया यूथ कौशल से वसूल करना होगा। वेलकम असद भाई, आप पोस्ट को शेयर भी करें और इनवाइट करें फ्रेंड्स को। चेयरमैन बल्दिया की तरफ से गुरफाक कसम साई, टीम ऑनर वार्ड नंबर 27 पीछे गलत खेल दिया, एक छोड़ के खेला सामने करेंगे दाएं भाषा के अच्छे मंजे हुए बढ़िया फेंक रहे हैं वकील दोस्त है राणा अहमद कुमार था करना चाह रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ बन नहीं पा रहा। जुबैर यो खोकर यंगर फाउंडेशन स्टेज पे आ जाए। मैच को लंबा चक्का राणा जी आपके लिए 1000 यूथ कौशल की तरफ से 1000 रुपया चेक शादत यूथ कौशल बल्दिया ने की तरफ से 1000 रुपया चक्के पे राणा अहमद को चेयरमैन बल्दिया रस्ता कमेंट्री के इंतजाम का जायजा लेते हुए मकसूद खान सामने है जज्बाती अंदाज में क्रिकेट खेलना चाह रहे
विकेट पर मौजूद थे। दाएं बाजू के बढ़िया बैट्समैन ने क्या शक्ति उनकी, रन शुक्ला चार रन का बैट क्रीज पर मौजूद राणा अंकल सामने करेंगे मकसूद खान का। वाइड हो गए अर्सल लॉन चीफ इफेक्टिव गोर में इस्लामाबाद अर्सल लॉन को पंडाल में खुशाम दी अर्सल लॉन गोर में इस्लामाबाद लॉन साहब आपकी तशरीफ हो रही दिल की अभाग्य रहे आपकी जनखेल एक स्कोर एक स्कोर समाज जसामत के मालिक लंबे कैट के पठान बढ़िया बल्लेबाजी में उन्होंने आखिरी गेंद पर भी छह की सफलता दी थी सामने करेंगे पटेल जसामत के मालिक बढ़िया बल्लेबाज है कामरान डूडू उठा दिया दर्शकों के बीच से मुश्किल शॉट थी लेकिन आसानी से हदफ की जानब फेंक दिया और छह रन का इजाफा हो गया इसी ओवर में ये दूसरा रन छक्का है एक अहमद का था एक इमरान डूडू का एक शाबाश शाबाश ओवर में सैंतीस स्कोर हुआ की जरूरत में एक नुकसान पठाना दोनों ओवर कर गए छाना ओवर कर गए अठारह गेंद अभी बाकी अठारह गेंदों के ऊपर बीस से जायद के ऊपर खेलना होगा बासठ स्कोर भी चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी है उसने गोरमे ने दस्का प्रीमियर लीग को स्पॉन्सर किया है फाइनल जीतने वाले खुश नसीब टीम को 11 खिलाड़ियों को 11 मोटरसाइकिल और रनर टीम को 1,00,000 रुपए कैश इनाम उसके साथ साथ भैया मैच शुरू करो जल्दी भैया उसके साथ साथ हाथ मैन ऑफ द मैच को गोरमे की तरफ से एक क्यू मोबाइल और बेहतरीन टी शर्ट और गोरमे का पैच अंपायर से गुजारिश है दो मैच बीच के बाद बाकी है जल्दी से मैच करवाएं शायद किले क्रिकेट में से दो मैच भी बाकी है अंपायर ज्यूरी की तरफ से ऐलान है कि अब मैच में ताखीर हुई तो जिसकी वजह से हुई उसका पॉइंट काट लिया जाएगा काफी लंबा मैच हो चुका है ये टाइम ड्यूरेशन मोहम्मद खान गालों फेंसते हुए आप देखें जी वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 3 के दरमियान सिंगल चलो चलो राम राम थ्रो कर थ्रो कर थ्रो कर खुद खेलना चाह रहे हैं एवरेज बहुत पीछे थे 20 को खेलना चाहिए 20 की औसत रन नहीं मिल रहे जितने मिले थे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आने वाले मेहमानों को बल्दिया टस्का की तरफ से बल्दिया और
तमाम तमाशाइयों को प्रेस रिपोर्टर्स को एक अच्छा शॉट फील्डर मौजूद है और कितनी जोर की झड़प है काश को चीख किचकाओगे काश को चला कर ऊपर से गुजर कर चार जल्दी से गेंद बाहर से अंदर फेंक दें शाबाश शाबाश बॉलिंग नुकसान हुआ लेकिन पूरा नहीं होगा मायन लैस के पाकिस्तान से बिग आरोप सामने खेल रहे हैं बिग क्लास को बात रखी अमरान पूर्व पवेलियन को वापस जोड़ते हैं बढ़िया बल्लेबाज यार ये ग्राउंड से बाहर निकल गए तमाम तमाशाई ग्राउंड से बाहर निकल गए अब कुछ नहीं हो सकता इमरान दूर दूर लौट रहे हैं अच्छा खासा खेल पेश नहीं किया देखिए जितनी टॉप को की आपने टीम को इतना स्कोर नहीं किया हाफ से ज्यादा मैच के ऊपर क्रीज पर पहुंच रहे कुछ एनर्जी नजर नहीं आई लेकिन एक तो है मैं एटीट्यूड क्या करते हैं लेकिन अभी तक मैच सनसनी खेल के रहने में भी दाखिल नहीं हुआ एक साइड काफी हावी दिखाई दे रही है अमर किशोर साहब बहुत शुक्रिया आप इसको शेयर भी करें और इनवाइट भी करें फ्रेंड्स को दूसरी साइड पे उनके भाई मियां मंजूर पर साफ साफ तीन नंबर वार्ड के सपोर्टर वाशिंगर मनी मियां मुजफ्फरसराफ आयू बेहतरीन टाकर दोनों टीमों को दिखाए दोनों कोशिश कर आप भी अपनी टीमों को भरपूर अंदाज में सपोर्ट करते हुए उनके साथ अशरफ अली खान पट वहां पर मौजूद मियां अशरफ वहां पर मौजूद मियां आबिद वहां पर मौजूद चौधरी मुख्तार साफ कैंप ये भी दीजिए चौधरी मिठू भी इमरान अल मरूफ मिठू गेंद खुद तुम्हारे शाम करेंगे लंबी तक तुम्हारी क्रिकेट थोड़ा सा स्थान लेकर चांस कर पाला सामने उठे असर लगी हुई है वो आपको पीछे लगी लगाई हुई है अब
पौधे से पीछे रहे, अपने जज्बात का इजहार करें, आपके लिए सब कुछ आपके जज्बात की कद में आ रही है। यार आप भी बता दो, मैं देख रहा हूँ। तीन नंबर वामी हम जफर की और आठ नंबर बाड़ अयूब बाट की है। कितने ओवर हो गए ना? बस लास्ट ओवर कितना चाहिए था? 40 का। आखिरी ओवर में 40 का ग्रीप स्कोर, 38 स्कोर चाहिए। आखिरी ओवर है। लेकिन फील्डिंग भी अच्छी कर रहा हूँ, खेल है, कुछ भी खेल के हो सकता है। आगे चल के जानिए, छह खेलों का खेल बाकी है। नहीं खेलना चाहते मयूर चाहते अहमद ने वो शॉट नहीं खेला क्योंकि वो महसूस कर लगे मैच हाथ से निकल गया है, कोई फायदा नहीं अब खेलेगा। कॉन्फिडेंस में खेल जान छिड़वाने की कोशिश की, गेंद से दूसरे पर चले गए। आप पछताए क्या हो जब चिड़िए चुके थे? पांच ओवर पहले बाकी थे, पांच बालों पे 38 रन, 37 चार बाल, 36 क्या पर मैच पहुंच चुका है। तो कुरान से कभी फायदा नहीं होगा, अभी जूर में मुझे नहीं पता नेक्स्ट मैच किसका है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह वो मैच जरूर दिखाऊंगा। अगले मैच को पक्का कर रहे हैं, मैच हाथ से खुस चुका है। बढ़िया शॉट फिर भी दिलचस्प शॉट थे, मैच सेट हो गया, खत्म हो गया। अहमद भाई हर बार से पारा लगा रहे हैं, काफी जंग है, खुद को बचा रहे हैं, अपनी जगह पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखना होगा क्या कर पाते हैं। कुछ नहीं किया, सारा खेल खत्म हो गया, चोरी चिड़िया छुप गई थी, कोई फायदा नहीं होगा। अगले मैच के लिए मेहनत कर रहा हो गया, अब
बड़ी सपोर्ट रहेगी आपके लिए। आपके फैन से पहचाना जाता है, आपका फैन है क्रिकेट खेला, फैन जिंदा रहता है आपके लिए। और ये मैच खत्म हो गया है और ये एंजॉय कर रहे हैं। ये मैच भी अपने इख्तिताम पज़ीर हो गया है। अगले मैच के बाद अगर मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।